अपमान। लुकमान जी, أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ لقمان کی آخری آیتیں ہیں. اس میں کچھ آیتوں کا ترجمہ اس سے پہلے والے درس میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں اور بہت تفصیل یا تفسیر بیان نہیں ہوئی تھی, صرف ترجمہ بیان ہو گیا تھا, لہذا چند آیتوں کا ترجمہ اور پھر باقی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے,
मुसख़र करने का मतलब मुसख़र कर दिया, मुसख़र कर दिया यानी तुम्हारे इख्तियार में दे दिया है। क्या तुमने नहीं देखा ये वाकयन, यानी आप कुदरत देखिए अल्लाह की। अल्लाह कह रहा कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने जमीन और आसमान की तमाम चीजों को तुम्हारे इख्तियार में दे दिया है। आज हर चीज के ऊपर इंसान का इख्तियार है, पानी पे इंसान का इख्तियार, हवा पे इंसान का इख्तियार, जमीन पे इंसान का इख्तियार, पहाड़ों पे इंसान का इख्तियार, सितारों पे इंसान का इख्तियार, चांद पे इंसान का इख्तियार, चांद पे चला जा रहा है, सितारों पे चला जा रहा है। ये अल्लाह कह रहा है कि हमने तुमको ये कुव्वत दी है, ये सारी चीजें हमने जो बनाई हैं और बनाने के बाद तुम्हारे अख्तियार में दी हैं, हमने मुसख़र कर दिया है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए तमाम जाहिरी और बातिनी नेमतों को मुकम्मल कर दिया है। जो भी जाहिरी बातिनी नेमतें हो सकती हैं, जो जिस चीज की भी तुमको जरूरत पड़ सकती है, जाहिर में या बातिन में, जिस्मानी लिहाज से या रूहानी लिहाज से, हर चीज तुम्हारे अख्तियार में दी मैंने। इतना करीम परवरदिगार कहां मिलेगा। और लोगों में बास ऐसे भी हैं जो इल्म और हिदायत और रोशन किताब के बगैर भी खुदा के बारे में बहस करते हैं। मालूम कुछ नहीं है, बहस करने के लिए बैठ गए। कुरान की एक आयत पता नहीं है, बहस कर रहे हैं कुरान के ऊपर। जैसे यही हमारे मुल्क का शैतान, ये इसको कुरान के मुतालिक मालूम नहीं और कुरान पे एतराज कर रहा है कि कुरान में ये आयत ऐसी है और कुरान में वो आयत ऐसी है। अरे कुरान पढ़ तो, कि कुरान में तुमने एक आयत पढ़ के फैसला कर लिया, उसके आगे पीछे मतलब भी तो देखो, अल्लाह ने क्या कहा है, किसके लिए कहा है, कहां के लिए कहा है, और तुमने एक आयत पढ़ के नतीजा निकाल लिया उसको। और जब इनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उसका इत्तबा करो, उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम उसका इत्तबा करते हैं जिस पर अपने बाबा दादा से अमल करते आए हैं। ये आज भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, किसी गलत बात से रोकिए तो कहते हैं ये तो बहुत पहले से होता आया है। शादी ब्याहों में बहुत सी रस्में ऐसी होती हैं जिनके मुताबिक आप मना कीजिए, अरे साहब ये तो हमारे बाबा दादा से होता आया है। अरे बाबा दादा से होता आया तो बाबा दादा हुज्जत थोड़े हैं, हुज्जत इमाम है, हुज्जत रसूल है, हुज्जत दीन है कि रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं, हमारे इमाम क्या हुक्म दे रहे हैं, शरीयत हमारी हमसे क्या कह रही है, ये हमारे लिए हुज्जत है। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे बाबा दादा अमल करते, हमने अपने बाप दादा को अमल करते देखा है। चाहे शैतान इनको अजाब जहन्नम की तरफ दावत दे रहा हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो और कह रहे हो कि हमारे बाप दादा करते, बाप दादा करते आए। हो सकता है बेचारे किसी नादानी में रहे हो, जिहालत में रहे हो, ना उन तक कोई खबर पहुंच सकी हो, कोई बताने वाला ना रहा हो, समझ ना सके हो, लेकिन कम से कम अगर तुमको कोई समझाने वाला मिल गया है, तुमको अगर कोई आंखें तुम्हारी खोलने वाला मिल गया है, तो अपनी आंखें तो आज खोल लो तुम। और जो अपना रूवे हयात खुदा की तरफ मोड़ दे, रू कहते हैं चेहरे को, रूवे हयात यानी पूरी जिंदगी, अपनी जिंदगी का पूरा रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दे और वो नेक किरदार भी हो, तो उसने रीसमान हिदायत को मजबूती से पकड़ लिया। और सही बात भी है, अगर हमने अपना पूरा रूवे हयात यानी पूरी जिंदगी का रुख हमने अल्लाह की तरफ मोड़ दिया है, जिस तरीके से नमाज से पहले हुक्म है कि आप इस आयत की तिलावत करें, इन्नत सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हमारा हमारी नमाज और हमारा इन्नत सलाती नुसुकी हमारा जिंदगी गुजारना व महयाया हमारी जिंदगी हमारी मौत सब अल्लाह के लिए है, तो हकीकत में जिंदगी हो तो इतनी पाक, अगर वाकई इतनी पाक जिंदगी है तो अल्लाह कह रहा है कि अगर उसने अपने रुख को अल्लाह की तरफ मोड़ा है तो इसने गोया की हिदायत की रस्सी को पकड़ लिया है इसने मजबूती से, और तमाम उमूर का अंजाम अल्लाह की तरफ है। और जो कुफ्र इख्तियार कर ले उसके कुफ्र से तुमको रंजीदा नहीं होना चाहिए। रसूल जाहिर सी बात है, देखिए ये वाज और नसीहत हम जैसे छोटे छोटे मौलवियों के साथ होता है,
कि मालूम है बता रहे हैं समझा रहे हैं फिर भी मान नहीं रहे, तो दिल को तकलीफ तो होती, ठेस तो पहुंचती, यार देखो किस किस्म के लोग हैं यार, इनको बता रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये ना करो वो ना करो, और फिर भी देखो यार वही किए चले जा रहे हैं, तो तकलीफ तो होती है। रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी कि जब रसूलुल्लाह कहते थे कि ये सब गलत रास्ते छोड़ के तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ, तुम अल्लाह की इबादत करो, हम तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं, हमसे तो गलती और खता का इम्कान भी है, वहां तो खता और गलती का इम्कान भी नहीं है, कितनी तकलीफ होती होगी, और होती थी तकलीफ। लिहाजा अल्लाह रसूलुल्लाह के दिल की कैफियत को देख के आवाज दे रहा है कि आप ये अपने दिल को छोटा ना कीजिए कि जो कुफ्र इख्तियार कर लिया है तो कुफ्र इख्तियार कर लिया तो कर लिया, उनको उनको जाने दीजिए, उनके हाल पे छोड़ दीजिए उनको, और जो कुफ्र इख्तियार कर ले उसके कुफ्र से तुमको रंजीदा नहीं होना चाहिए कि सबकी वापसी हमारी तरफ है। ईमान वाले होगे तब भी हमारी तरफ आओगे, कुफ्र वाले होगे तब भी हमारी तरफ आओगे, और उस वक्त हम बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है। बेशक अल्लाह दिलों के राजों को भी जानता है, हमारे दिलों में क्या है किसी को नहीं पता, हम तो यहां बैठे हैं बने ठने, आपको क्या पता कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन सबसे हम अपने दिल के राज को छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते हैं कि हमारे दिल में क्या है। हम इन्हें थोड़े दिन तक आराम देंगे, अल्लाह जो है जालिमों की रस्सी को छोड़ देता है, और तो हम इन्हें थोड़े दिन तक आराम देंगे और फिर सख्त तरीन अजाब की तरफ इनको खींच के ले आएंगे। और अगर आप इनसे सवाल करें कि जमीन और आसमान का खालिक कौन है तो कहेंगे कि अल्लाह। हकीकत यही है, आज भी अगर आप किसी भी इंसान से सवाल करो कि ये दुनिया का पालनहार, दुनिया का रब, दुनिया चलाने वाला कौन है, तो कहेंगे अल्लाह, कोई कहेगा ईश्वर, कोई कहेगा गॉड, कोई कहेगा भगवान, कोई कहेगा परमात्मा, कोई कुछ, उन्हें अपने अपने लिहाज से सबने बहरहाल नाम रखे हुए, लेकिन कहेंगे सब, कबूल सब करेंगे कि दुनिया का खालिक वो है। अगर आप इनसे सवाल करेंगे जमीन और आसमान का खालिक कौन है तो कहेंगे कि अल्लाह, तो फिर कहिए कि जब जमीन और खालिक का अल्लाह है तो सारी हमद अल्लाह के लिए है, फिर अल्लाह को छोड़ के तुम इधर उधर कहां बह के चले जा रहे हो। और इनकी अक्सरियत बिल्कुल जाहिल है, अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की तमाम चीजें हैं, और वही बेनियाज भी है और काबिले सताइश और काबिले तारीफ भी। अगर रूए जमीन के तमाम दरख्त कलम बन जाएं, समंदर का सहारा देने के लिए 7 समंदर और आ जाएं, तो भी कलेमात इलाही तमाम होने वाले नहीं हैं। अगर कोई उसकी तारीफ करने के लिए बैठे तब भी, अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं और ये जो दरिया हैं 7 दरिया और आ जाएं और ये सब रोशनाई बन जाएं, तब भी उसके कलेमात यानी उसकी तारीफ में लिखे जाने वाले जुमले मुकम्मल नहीं होंगे। बेशक अल्लाह साहेब इज्जत भी है और साहेब हिकमत भी है। तुम सब की खिलकत और तुम सब का दोबारा जिंदा करना सब एक ही आदमी जैसा है, यकीनन सब कुछ वो यकीनन सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। इस आयत का मतलब समझे मिर्जा साहब, एक आदमी का मारना और सबका मारना, एक आदमी का जिंदा करना और सबका जिंदा करना, उसके लिए एक ही जैसा है। समझ गए नहीं समझ गए? नहीं समझे जी? बहुत प्यारा जुमला है,
अल्लाह इस आयत में कह रहा है कि भाई चाहे वो एक को मौत दे या सबको मौत दे, तो सबको, जो एक को मौत दे सकता है तो वो सबको भी मौत दे सकता है। तो सबको मारना उसके लिए एक ही जैसा है, और जो एक को जिंदा कर सकता है तो वो सबको जिंदा कर सकता है। तो एक को पैदा करना या एक को जिंदा करना सबको जिंदा करने जैसा है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अरे इतने लोगों को कैसे जिंदा करेगा, इतने लोगों को कैसे मारेगा? वो जैसे एक को मारना वैसे सबको मारना, और जैसे एक को जिंदा करना वैसे सबको जिंदा करना। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसने चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिया है, सब एक मुअय्यन मुद्दत तक चलते रहेंगे, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। आप ये भी एक उसकी कुदरत की निशानियों में से है, दिन आता है चला जाता है, रात दाखिल हो जाती है, रात जाती है दिन दाखिल हो जाता है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में, अब ये दिन ही तो है और रात दाखिल हो रही है, अभी रात खत्म होगी और रात में दिन दाखिल हो जाएगा, तो दिन में रात को दाखिल कर देता है और रात को दिन में। वरना अगर आप इस दुनिया का जायजा लीजिए तो इस वक्त भी कहीं ना कहीं रात है, कहीं ना कहीं दिन है। लेकिन ये उसका कमाल है, उसकी कुदरत है कि वो कैसे दिन को रात में और रात को दिन में दाखिल कर देता है, और चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिया है। ये अपने अपने दायरे में हरकत कर रहे, इधर से उधर नहीं हो सकते। मैंने जुमे में एक इशारा किया था कि अगर वाकई आप कायनात के ऊपर नजर करें तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से अल्लाह ने और किस खूबसूरती के साथ और किस हिकमत के साथ इन तमाम चीजों को अल्लाह ने खल किया है, और सब एक मुअय्यन मुद्दत, फिक्स टाइम। ये घड़ी है ये गलत टाइम दे सकती है। जितने भी हमारे बनाए हुए औजार हैं, जितने भी हमारे बनाए हुए आलात हैं, सब कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं, कहीं ना कहीं रुक सकते हैं, कहीं ना कहीं बंद हो सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह की बनाई हुई घड़ी कभी नहीं बंद होगी, और अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है। ये सब इसीलिए है कि खुदा माबूद बरहक है, और उसके अलावा जिसको भी ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल हैं, और अल्लाह बुलंद बाला और बुजुर्गों बरतर है। क्या तुमने नहीं देखा नेमते खुदा ही से कश्तियां दरिया में चल रही हैं? इनको तो डूब जाना चाहिए था। लोहा, आप लोहा को डालिए, लोहा डूब जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी कश्ती लोहे की बनी हुई है और वो नहीं डूबती है और वो चल रही है। क्या तुमने नहीं देखा कि नेमते खुदा ही से कश्तियां दरिया में चल रही हैं ताकि वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाए कि इसमें तमाम सब्र और शुक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियां पाई जाती हैं, और जब साहिबानों की तरह कोई मौज उन्हें ढांकने लगती है तो दीन के पूरे इखलास के साथ खुदा को आवाज देते हैं, और जब वो नजात देकर खुशकी तक पहुंचा देता है तो इसमें से कुछ ही एतदाल पर रह जाते हैं, और हमारी आयतों का इनकार गद्दार और नाशुक्रे अफराद के अलावा कोई नहीं करता। ये आयत थोड़ी समझा दूं। अल्लाह ने पहले फरमाया कि दरिया में जो कश्तियां चल रही हैं ये कौन चला रहा है? ये कुदरत खुदा से ये चल रही हैं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है समंदरों का सीना चाक करके जो है दरियों कश्तियों को चलाना। ये जो कश्तियां चल रही हैं ये कुदरत खुदा से चल रही, लेकिन इन कश्तियों में बैठने वालों का हाल देखो,
कि जब तूफान आता है और मौजे मारता है दरिया, तो जब मौजे मारता है तो ये जो लहरें आती, लहरें क्या होती, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं। तो इसमें अल्लाह कह रहा है कि लहर कश्ती को ढांप लेती है, कश्ती आई और लहर आई, उसके बाद ढांप लिया उसने पूरी, और फिर कश्ती आगे बढ़ गई। तो जब ऐसा कोई मौका आता है, जितने कश्ती में सवार लोग हैं सब अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करने लगते हैं, जितने हैं सब या अल्लाह करने लगते हैं। और अल्लाह कहता कि जब इनको हम आसानी से खुशकी तक पहुंचा देते हैं, तो इनमें के कुछ ही हैं जो अल्लाह अल्लाह वाले हैं, जो बाद में भी उतरने के बाद अल्लाह अल्लाह करते हैं, सब अल्लाह को भूल जाते हैं कि हाँ कैसे हालात से निकल के आए हैं और कैसे अल्लाह ने हमको बचाया है। तो बहुत थोड़े से लोग हैं कि जो राह इतदाल पर रह जाते हैं, और हमारी आयतों का इनकार यानी हमारी निशानियों का और हमारी नेमतों का इनकार या तो गद्दार करेगा या नाशुकरा करेगा। और इसके अलावा हमारी नेमतों का कोई इनकार नहीं कर सकता, यानी अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह ने अपनी नेमतों के इनकार करने वाले को अपना गद्दार कहा है कि यह हमारा गद्दार है कि हमारी नेमतों की नाशुक्री कर रहा है। इंसानों, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन से डरो जिस दिन ना बाप बेटे के काम आएगा और ना बेटा बाप के काम आएगा। बेशक अल्लाह का वादा बरहक है, लिहाजा तुम्हें जिंदगानी दुनिया धोखे में न डाल दे। और खबरदार, कोई धोखा देने वाला भी तुम्हें धोखा न दे सके, अपनी आंखें खुली रखना, अपनी जरा फिक्र इसको काम में लाना, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ही के नाम पे और दीन ही के नाम पे तुमको अल्लाह के रास्ते से हटा दे और दीन से दूर कर दे। ये जो आखिरी आयत है सूरे की, सूरे लुकमान की, ये आयत यकीनन यानी वाकियन इसमें आप गौर कीजिएगा, यकीनन अल्लाह ही के पास कयामत का इल्म है और वही पानी बरसाता है और शिकम के अंदर का हाल वही जानता है, पेट के अंदर जो बच्चा परवरिश पाता है तो हकीकत यह है कि इसका हाल ये क्या बनेगा कोई नहीं जानता, ये वही जानता है क्या बनेगा और कैसा बनेगा, किस तरीके का बनेगा, मुकम्मल बनेगा या कोई कमी लेकर आएगा, ये हाल वही जानता है। एक तो ये कोई नहीं जानता कि जो शिकम में है ये कैसा है, लाख साइंस आगे बढ़ जाए और डॉक्टर अपनी अपनी बयान करें, लेकिन शिकम के अंदर का हाल आज तक सही तौर पे कोई नहीं बता सका है। न जाने भावनगर में ऐसे कितने वाकयात हुए हैं, मेरे सामने मालूम हुआ क्या है जनाब, ऐसा ऐसा मामला हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करा दो, इसको जो है जाया कर दो और ये बच्चा बढ़ नहीं पाएगा, इसके अंदर ये सलाहियत नहीं वो सलाहियत नहीं। मैंने कहा अल्लाह पे भरोसा करो, खबरदार ऐसा काम ना करना कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है, मालूम है बच्चा आया तो कुछ भी नहीं, बच्चा आया तो कुछ भी नहीं। लिहाजा शिकम के अंदर का हाल कौन जानता है, अल्लाह जानता। अरे नहीं, इसमें जिंदगी के आसार नहीं है और इसका सर छोटा हो गया और पैर बड़े हो गए, ये हो गया वो हो गया, और कोई नफ्स ये नहीं जानता है कि वो कल क्या कमाएगा, बड़े काम की बात है, किसी को खबर नहीं है कि वो कल क्या कमाएगा। एक तो शिकम के अंदर का हाल नहीं मालूम, दूसरे कल हमको कहां से क्या मिलेगा ये नहीं मालूम। कभी कभी यकीन होता है और नहीं मिलता है, और कभी कभी गुमान नहीं होता और मिल जाता है, कभी कभी यकीन होता है कि ये तो मिलने वाला है, ये तो आने वाला है ये कल, लेकिन नहीं आता है, और कभी कभी गुमान भी नहीं होता है, दूर दूर तक
कि ऐसा भी हो जाएगा और इस तरीके से भी हमको रोजी अल्लाह देगा, लेकिन मिल जाता है। तो एक शिकम के अंदर का हाल नहीं मालूम किसी को, एक कल क्या कमाओगे ये किसी को पता नहीं है, और किसी को ये नहीं मालूम है कि किस जमीन पर उसकी मौत आएगी, किस जमीन के ऊपर उसकी मौत आएगी ये पता नहीं है। बेशक अल्लाह जानने वाला और बाखबर है। बस सूरह लुकमान तमाम हुआ और सूरह सजदा इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक के बाद। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। बिलआलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। काला इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। अज़ीज़ान ग्रामी, शाबानुल मुअज़्ज़म बिल्कुल अपने अख्तिताम की मंजिल पे पहुंच रहा है और इसके बाद रमज़ान मुबारक का आगाज़ है। रजब, शाबान, रमज़ान, बहरहाल ये हुसूल आखिरत के लिए बेहतरीन महीने हैं। चाहे इसमें नमाज़ें हों, चाहे रोज़े हों, चाहे दुआएं हों और चाहे तस्बीहात हों, सबकी एक फजीलत है। अल्लाह से राबते का नाम अगर नमाज है तो उसी से बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ जिसे दुआ कहते हैं। दुआ का भी बहुत ज़्यादा ताकीद है। अगर कुरान मजीद की तिलावत का सवाब है तो उससे कमतर सवाब दुआओं का नहीं है। और जो मासूमीन से दुआएं वारिद हैं हमें इसकी तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए, देखना चाहिए। आप देखें, कभी कभी हम और आप इसलिए मुरझा जाते हैं कि बज़ाहिर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मुरझा जाते हैं, नमाज पढ़ी दुआ मांगी, नमाज पढ़ी दुआ मांगी, मिंबर में गए दुआ मांगी, कोई मखसूस तारीख आई दुआ मांगी, लेकिन जो मांगते हैं बज़ाहिर वो नहीं मिलता तो हम मुलझा जाते हैं। आप देखिए इसी आयत की तफसीर मेरे मौला ने की दुआए कुमैल में। कुरान ने क्या कहा कि हमने तुम्हें दुआ का हुक्म दिया और अगर तुमने दुआ से इराज किया, दुआ न की, तो हम तुम्हारा शुमार मुतकब्बिरीन में करेंगे और तुम्हें दाखिले जहन्नम करेंगे। यानी दुआ न करना तकब्बुर की अलामत है और ऐसा इंसान जहन्नम में जाएगा। जैसे नमाज न पढ़ने वाला, वैसे ही सख्त लहजे में अल्लाह ने दुआ का कहा कि दुआ न करने वाला दाखिली न जहन्नम, हम इसे जहन्नम में दाखिल कर देंगे। तो दुआ भी बहुत बड़ी इबादत है। मौला ने दुआए कुमैल में क्या कहा, अमर तहुम बिदुआ का, हमने तुम्हें दुआ का हुक्म दिया। अमर तहुम बिदुआ का व जमीन तलहमुल इजाबा, और अल्लाह से ही कह रहे हैं कि परवरदिगार तूने हमें दुआ का हुक्म दिया और कबूलियत दुआ की जमानत ली। फ़इलै का या रब्बे नसब तो वजी, इसीलिए मैंने अपनी पेशानी को तेरे सामने झुका दिया। वैलय का या रब्बे मदद तो यदि, और इसीलिए मैंने अपने हाथों को तेरी तरफ फैला दिया। बिल्कुल इस आयत की तफसील जैसे मौला बयान कर रहे हो कि परवरदिगार तूने दुआ का हुक्म दिया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं मांगा, तूने कहा है कि मुझसे मांगो, और खाली मांगने को नहीं कहा है बल्कि कबूलियत दुआ की जमानत ली है। और ऐसे के दहने मुबारक से निकले हुए जुमले हैं जो खुद लसानुल्लाह है, इसीलिए मैंने अपनी पेशानी को तेरे सामने झुकाया।
और इसीलिए मैंने तेरे सामने अपने हाथों को फैलाया, और कोई रीजन और सबब नहीं। लेकिन जितने अफराद हैं वो जानते हैं, जितनी आप दुआएं करते हैं इसमें से कितनी कबूल होती। अब इसको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा अभी 2 साल का है, जो चीज देखता है मांगता है। आप मार्केट में लेके चले जाए, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मेडिकल पे लेके चले जाइए, वहां भी शीशियां दिखेंगी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब उसे ये नहीं मालूम है कि इसको पी लेंगे तो मर जाएंगे, इसको ले लेंगे तो इससे हाथ कट जाएगा, इससे ये हो जाएगा तो मर जाएंगे, उसे नहीं पता है। लेकिन आप 60 साल के हो गए हैं, आपको पता है कि दवाएं सब अच्छी नहीं होती हैं, कुछ जान बचाने वाली होती हैं, कुछ जान मारने वाली होती हैं। ऐसे ही जितनी कायनात में चीजें हैं वो सब खाने ही वाली नहीं होती हैं, कुछ खाने से फायदा भी होता है, कुछ से नुकसान भी हो जाता है। ऐसे ही अल्लाह, अल्लाह के सामने हमारे पास उतनी ही अक्ल है जितनी 2 दिन के बच्चे की, ये भी कहना गलत, लेकिन एक समझाने के लिए कहा जा रहा है कि ताकि बात समझ में आ जाए किसी हद तक। अब आप देखें कि कभी कभी हम दौलत मांगते हैं, सर्वत मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि अगर मिल जाएगी तो हमारा हश्र क्या होगा। एक शख्स पैगंबर के जमाने में आप देखें, कोई काम धाम नहीं, सवेरे आ गया मस्जिद को साफ साफ एकदम से चमका के रखे रहता था, नमाज का टाइम हुआ, नमाज रसूलुल्लाह के पीछे गया। रसूलुल्लाह ने पूछ लिया, भाई क्या करते धरते हो? सरकार कोई काम नहीं। इस्लाम रिटायरमेंट का नाम नहीं है, कुछ तो हाथ पैर चलाना पड़ेगा। घर में लाख कहते रहे बच्चे कि बस कुछ नहीं, बेकार आदमी, ना अल्लाह को पसंद है, ना समाज को पसंद है, किसी को नहीं। आप कम से कम किसी के कारामद रहें, पैसे की बात नहीं है कि पैसा मिले तो ही काम करो, लेकिन किसी की जरूरत बने रहो। रसूलुल्लाह ने उसे 2 दीनार दिए, कहा ऐसा करना कुछ चावल लेके आना, चावल की तजारत बताई रसूलुल्लाह, लाया। और 2 दीनार में उस जमाने में बहुत मिलता था, 2-4 बोरी ले आया, मस्जिद के सामने रखा, लोग नमाज पढ़ के निकले, सबको खाने की जरूरत है, कहा भाई इधर उधर से लेते हैं, इसी से सब बिक गया। अब जहां 200-400 लोग आएंगे तो वहां तो जरूरत रहेगी, बिक गया। अब क्या हो, अब उसमें मालूम हुआ 50 पैसे फायदा हुआ, 25 पैसे उसने अपने खर्चे के लिए, उस जमाने में 25 पैसे में दिन क्या शायद 2-3 दिन चल जाता रहा। फिर 2.25 रुपए का लाया रोज, रसूल के हाथ का दिया हुआ है, बरकत तो होगी, दिन रात दुगना चौगना। अब वो साहब जो रोज सुबह मस्जिद में पहुंच जाते थे, जाल कोच के बिल्कुल आयना बनाए रहते थे मस्जिद, अब वो जुमे जुमे किसी दिन पूछा, अरे क्या कहना, अब तो माशाल्लाह से 2-3 दुकानें हो गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, और फिर इतना कारोबार बढ़ा, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर। अब साहब ईद बकरा ईद, एक दिन आए रसूलुल्लाह, कुछ आपके लिए तोहफा लाए हैं, हदिया लाए हैं, कबूल कर लीजिए। कहा नहीं, अरे नहीं सरकार, सब कुछ आप ही का अता किया हुआ है, दिया हुआ है। कहा अच्छा, अगर इतना ही इसरार है तो वो 2 दीनार जो मैंने दिए थे दे दो। दे दिया, साहब वापस गए, रात में सोए, पता चला 2-4 दुकानों में आग लग गई, आग लग गई, सारा मालो असबाब जो रास्ते में था लुट गया, कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे फिर वही मस्जिद, फिर वही मुसल्ला। एक दिन कहने लगे, सरकार वो जो आपने 2 दीनार ले लिए उसी वजह से ऐसा हुआ, अगर आप वो 2 दे देते तो बहुत अच्छा था, ताकि फिर से काम चल जाता। कहा
अल्लाह को उस अमीरी से यह गरीबी पसंद है जिसमें अल्लाह याद रहे, वो अमीरी अल्लाह को अच्छी नहीं जिससे जो है इंसान अल्लाह ही को भूल जाए। अब आप दुआ करते हैं, कितनी दुआ करते हैं, वही बच्चों की तरह जिस दुकान पे गया, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और उसके बाद मुंह फुला के बैठ गए, अरे हम तो रोज दुआ करते हैं अल्लाह कुछ देता ही नहीं, मौला कुछ दे ही नहीं रहे। तो आप देखें कभी कभी अल्लाह इसलिए दुआ नहीं करता कौले मासूम की रोशनी में कि मोमिन का अंदाज़े दुआ उसे इतना अच्छा लगता है कि जब आप दुआ करते हैं तो फरिश्ते इस दुआ को लेकर मकाम कबूलियत तक पहुंचते हैं, और जब वहां तक पहुंचते हैं तो कहते परवरदिगार तेरा बंदा तेरी हमद कर रहा है, सना कर रहा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला दे रहा है, और ये मांग रहा है, इसकी दुआ तो जरूर कबूल कर ले। अल्लाह कहता है इसका अंदाज दुआ इतना अच्छा लग रहा है कि इसे मांगने दे। अब जब अल्लाह को आपका अंदाज दुआ इतना अच्छा लगने लगे कि अल्लाह खुद फरिश्ते को रोक दे कि नहीं भैया इसे दुआ करने दे, जैसे एक नन्हा सा बच्चा आता है कभी प्यार में कहता है दादा आज तो 5 रुपए देने ही पड़ेंगे, कुल्फी वाला बाहर खड़ा है, हमको तो आइसक्रीम खाना है, अभी तक वो प्यार और मोहब्बत से मांग रहा था, दादा जो है वो पर्स निकालने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मांगते मांगते एक मंजिल आई कि देखो दादा देना तो पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर ठीक नहीं है, डराया धमकाया तब भी नहीं मिला, आखिर में रोने लगा। अब जब रोने लगा तो दादा को तरस आ गया कि छोड़ो क्यों नहीं दादा, क्या दादा रुलाना चाहते थे, नहीं इसका अंदाज इतना अच्छा लग रहा था कि दादा भी मजा ले रहे थे। वो वैसे ही परवरदिगार भी कहता है कि तुम मानते रहो, हमें तुम्हारा अंदाज इतना लग रहा अच्छा लग रहा है। जब यही बंदा फरियाद करते करते गिरिया करने लगता है तो अल्लाह जो मुनासिब समझता है वो अता कर देता है, जानता है कि इसमें नजात है तो दे देता है, जानता है कि नहीं मेरा बच्चा मेरा बंदा तो बिगड़ जाएगा तो कहता है नहीं नहीं। एक रवायत बात को यही, चूंकि वक्त हो चुका है इंशाल्लाह किसी दूसरे मौके पे अर्ज करेंगे 2-1 महीने बाद आपके जब आप भूल जाएंगे। एक दिन क्या हुआ, एक शख्स को मैदान महशर में रस्सियों में बांधा, अब बांधने के बाद घसीटते हुए दरोगा जहन्नम जहन्नम में ले जा रहे थे, अचानक रास्ते में फरिश्ते आए और आने के बाद रोका, रुकिए रुकिए इन्हें अभी जहन्नम में न ले जाइए, रोका, ढेर सारी नेकियां ला के रख दी, नेकियों का अंबार लगा दिया, कहा ये क्या, दिन भर भावनगर में झूठ बोलने वाला, कह रहा सरकार इतनी सारी नेकी तो मैंने की ही नहीं, ये नेकियों का पहाड़, कहा नहीं तुम्हारा ही है, कहा इतनी तो कभी मैंने की ही नहीं, कहा फिर, कहा कभी दुआ हुआ करते थे, अम्मा दुआ तो पूरे साल करते थे, रजब शाबान रमजान जुहा रास मगरिब बेश हर वक्त, मिला कितना, कहा कभी 100-200 दुआओं में एकाध कबूल हो जाती थी, कहा क्या किसी भावनगर के सेठ वाल सेठ के सामने हाथ फैलाया था, दे दिया तो तुमको जो है इज्जतदार बना दिया और नहीं दिया तो जलील कर दिया, तुमने अल्लाह के सामने हाथ फैलाया था, उसने मसलहत ये देखी कि भावनगर में तो इसका काम चल जाएगा, इसको नेकियों की शक्ल में तब्दील करके आखिरत के लिए रखा कि जब दरोगा जहन्नम तुझे घसीट के जा रहा होगा तो ये नेकियां तुझको मिल जाएंगी और जहन्नम में जाते जाते जन्नत में चला जाएगा। बताइए दुआ जल्दी नहीं कबूल होती तो अल्लाह अच्छा कर रहा है कि गलत कर रहा है, यहां काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, तो इंशाल्लाह। लेकिन दिल हमारा उस वक्त उलटता है जब काफिरों की दुआ, बेदीनों की दुआ, सद्दाम जैसे की दुआ, अमेरिका वालों की, इज़राइल वालों, इन सब की कबूल हो जाती, नमाजें हम पढ़ें, पेशानी हम दारदार करें, रोजे हम रखें, हज हम करें, ज़कात हम निकालें, खुम्स हम दें, और ये जरा सा गए फौरन ले जाओ, और हमारी नहीं। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे ये फार्मूला आपको बताऊंगा। दुआ करता हूँ परवरदिगार हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमा, मज़ारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए इस्लाम के सायों को हमारे सरों पे बाकी फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा।
ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار فرما و تقبل منا. جی جیسے ٹائم تو تقریباً پورا ہو چکا ہے لیکن رمضان المبارک قریب ہے اور یہ اس سال کا آخری درس ہے, لہذا اور رمضان المبارک میں بہرحال جو درس کا سلسلہ رہتا ہے وہ ظہر عصر کی نماز کے بعد سنڈے کو, انشاءاللہ وہ اس سال بھی رہے گا. اور اس میں جو بھاونگر میں ماشاءاللہ سے علماء اور مبلغین آتے ہیں ان علماء اور مبلغین سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو باری باری لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے بیان سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. اگر کوئی سوال ہے, ویسے تو تقریباً ٹائم پورا ہو چکا ہے. رجعت کافی طولانی موضوع ہے اور اس کا جواب کا ٹائم رجعت کے لیے مختصر بس یہ بتا دیتا ہوں کہ رجعت بعض لوگوں کی رجعت خود امام کے ظہور کے بعد ہوگی اور بعض لوگوں کی رجعت خود امام کے بعد ہوگی. رجعت یعنی امام کے ظہور کے بعد کچھ نیک لوگوں کا دنیا میں واپس آنا, اس کو کہتے ہیں رجعت. اس میں بعض شہداء ہیں, بعض صدیقین ہیں, بعض صالحین ہیں, ہمارے تمام ائمہ ہیں, یہ دنیا میں آئیں گے اور اللہ نے جو انہوں نے اللہ کے لیے زحمت اٹھائی, تکلیفیں گوارا کی, اللہ ان کا مقام اور مرتبہ دنیا ہی میں ان کو دکھائے گا اور اس حکومت کے لیے, اللہ کے نظام کے لیے جو انہوں نے کوشش کی تھی اور یہ اس نظام کی کوشش میں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے, تو اللہ اس نظام کو دنیا میں دکھا دے گا کہ دیکھو تم جس نظام کو اور جس حکومت کو قائم کرنے کے لیے دنیا سے ہماری راہ میں تم نے جان دی تھی, دیکھو وہ نظام قائم ہو چکا ہے, یہ دیکھو یہ الہی نظام ہے. اس کو کہتے ہیں رجعت. اس میں بعض شہداء ہیں, بعض صدیقین ہیں, بعض صالحین ہیں. رجعت سب کی نہیں ہوگی, سب واپس نہیں آئیں گے. اناج کے متعلق یہ ہے احتکار, اس کو بولتے ہیں احتکار. احتکار ہمارے ہاں حرام ہے اور احتکار میں خصوصاً جو چیزیں روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں جیسے گیہوں ہے, چاول ہے, جو یہ آپ فیصلہ کیجئے گا, وہی ہم نے کہا وہ آپ فیصلہ کیجئے گا. جو انسان کا پیٹ بھرتی ہیں ایسی چیزیں کہ جو انسان کا پیٹ بھرتی ہیں جیسے گیہوں ہے, چاول وغیرہ ہے, اگر ان کا کوئی کسی جگہ کے اوپر احتکار کرتا ہے اور مارکیٹ میں اس کے جمع کرنے کی وجہ سے یہ مہنگا ہو جاتا ہے تو یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. باقی خود فصل ابھی ہوئی, مارکیٹ عام طور سے اونچی نیچی تو ہوتی ہی رہتی ہے, ہم نے ابھی نہیں بیچا, ہم نے کہا کہ ہم دو مہینے کے بعد بیچیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چار مہینے کے بعد بیچیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. یا اسی طریقے سے جس طریقے سے بہت سے لوگ سامان کا لین دین کرتے ہیں, وہ چیز کا معین کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے, مارکیٹ میں وہ چیز ہے کہ نہیں, آپ کے جمع کرنے کی وجہ سے مارکیٹ میں پرابلم تو نہیں آ رہی ہے, لوگ بےچارے پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں, حیران تو نہیں ہو رہے ہیں. اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جو انسان کا پیٹ بھرتی ہے, میں نے آپ کو بتایا جیسے گیہوں ہے اور یہ جو غلہ وغیرہ جو بولا جاتا ہے, اس کا احتکار قطعاً جائز نہیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ وقت کے لحاظ سے ہیں, حالات کے لحاظ سے ہیں, جیسے پیاز ہے, اب پیاز بالکل مارکیٹ سے ندارت ہو گئی اور ہم صاحب روکے ہوئے ہیں کہ ہم تو بالکل جائیں گے نہیں, ابھی چھوڑیں گے ہی نہیں, اور ابھی اوپر اور مارکیٹ جائے گا, اوپر اور مارکیٹ جائے گا, بیچارے غریب پریشان ہو رہے ہیں, وہ سوکھی روٹی اور سوکھی دال کھا رہے ہیں, وہ بھی بگھارنے کے لیے ان کے پاس پیاز بھی نہیں ہے, ایسی صورت میں وہ چیز جائز نہیں ہوگی. لیکن باقی اور تمام چیزوں میں خود کچھ دنوں کے لیے روک لینا یا کچھ دنوں کے بعد جانے دینا یا بیچنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.